मोदेत साधुर पिवृश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। तस्मात् इसलिए भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, तो इस कारण से अहम मैं विगत विक्लव कोई भी घबराहट छोड़ करके या शंका छोड़ करके ईश्वर के सर्वात्मना सब प्रकार से मही का अर्थ है महिमानम, भगवान की महिमा का बखान करूंगा ग्लामी यथा मनीषम जैसी मेरी बुद्धि है। यूं तो भगवान की महिमा अनंत है, उनके अनंत गुण है, लेकिन जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं वर्णन करूंगा। इसमें प्रहलाद महाराज विगत विक्लव कह रहे हैं, विक्लव का अर्थ है घबराहट। मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं इसलिए भगवान की महिमा वर्णन करने के योग्य नहीं हूं, ये विचार त्याग करके और भगवान के विषय में बोलूंगा। नीच वंश में जन्म लेने पर भी, सर्वथा अयोग्य होने पर भी मैं वर्णन करूंगा। उसको उन्होंने कहा चूंकि भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और किसी गुण से नहीं, इस कारण से तो मैं अपनी निचता का अयोग्यता का ध्यान ही नहीं रखूंगा। और जितना मैंने सुना है भगवान के बारे में, जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया है उसके अनुसार बोलूंगा। नहीं जानते हो तो क्यों बोलोगे, नहीं जानते हुए भी भगवान की महिमा के विषय में मैं बोलूंगा। तो कहते हैं यदि प्रश्न किया जाए कि नहीं जानते हैं तो आप क्यों बोलेंगे, तो कहते हैं अजय माया के द्वारा अज्ञान बस जीव इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होता है, माया बंधन में आ जाता है। बहुत अशुद्ध हो जाता है, अज्ञान से घिर जाता है, परंतु अज्ञान से पार होने के लिए, शुद्ध होने के लिए भगवान का अनुवरण ही एकमात्र उपाय है। तू ये तो जे नहीं, जे न ही मैंने केवल भगवान के गुणानुवाद से, कीर्तन से ही जीव पवित्र होता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और दूसरे उपाय हैं पर उतना हृदय को शुद्ध नहीं करते हैं जितना कीर्तन शुद्ध करता है, इसलिए मैं भगवान का अनुवर्णन करूंगा, भगवान की महिमा का वर्णन करूंगा। अनुवर्णन का अर्थ है पहले से वर्णन हुआ है भगवान के विषय में, श्री नारद जी ने कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा है और ब्रज की गोपियों ने भी कहा है,
बहुत से भक्त भगवान के विषय में बोल रहे हैं वैदिक ग्रंथों में, तो उसी को रिपीट करना है, उसको अनुवर्णन कहते हैं। जैसे अनुवाद हम सुनते हैं, अनुवाद का अर्थ है पहले कोई बात हो गई है तो उसको अपनी भाषा में करते हैं या वर्तमान भाषा में कहते हैं तो उसको अनुवाद कहते हैं। ऐसे ही अनुवर्णन का अर्थ है भगवान का वर्णन बड़े बड़े अभिज्ञ जनों ने किया है, जो भगवान के तत्व को जानते हैं ठीक से, जैसे नारद जी। तो मैं जो सुना हूं, जो मनन किया हूं और बुद्धि ने जितना ग्रहण किया है उतना मैं बोलूंगा, बेधड़क बोलूंगा, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। विगत विक्लवा, यही उपाय है पवित्र होने का, शुद्ध होने का, कि भगवान का वर्णन किया जाए। पुए तो जे नहीं पुमान अनुवर्णित है ना, सबसे बड़ा साधन यही है पवित्र होने के लिए, अज्ञान से मुक्त होने के लिए, कि भगवान का वर्णन किया जाए। कभी कभी भक्त इस फेरे में पड़ जाते हैं कि श्रवण बड़ा है, लेकिन श्रवण कैसे होगा? श्रवण तभी होगा ना जब कोई बोलेगा, गाएगा। बिना गाए बिना बोले श्रवण हो ही नहीं सकता है। तो सब तरह से निरापद और करने जो काम है भगवान का वर्णन कीर्तन यथा मनीषम, यदि बुद्धि में जानकारी नहीं है भगवान की महिमा का, महिमा की जानकारी नहीं है, गुण का पता नहीं है, यदि नहीं पढ़े हैं तो भगवान का नाम तो मालूम है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे बलवान साधन है भगवान के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री भगवान का अनुवर्णन जो शास्त्रों में दिया गया है, श्रीमद् भागवत में दिया गया है और अन्य ग्रंथों में दिया गया है, तो उसी का वर्णन करना चाहिए। अनुवर्णन परंपरा में स्थित हो करके और भगवान का गुण वर्णन करना ही चाहिए, गाना ही चाहिए, कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए कि भगवान निराकार है, ये है वो है, ये फालतू कल्पना नहीं। पहले से ही सब सजा करके रखा गया है, भगवान वेदव्यास देव ने अनेक पुराणों में उपनिषदों में और ऋषियों ने फिर रामायण में, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण में कहा है और लगातार कहते ही रहते हैं, सब युगों में भगवान का वर्णन होता ही रहता है। परम विद्वान वैष्णव जन भगवान की कीर्ति गाते ही रहते हैं, तो जीव का एक कर्तव्य है कि उसी को गावे, उसी का वर्णन करे। हम जब से जन्म लेते हैं मनुष्य शरीर में तब से कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, जब से जन्म हुआ जन्म के समय बोलते ही रहे, रोते थे तो वो भी बोलना ही है। इसके बाद थोड़ा सा बड़े होते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो बोलते ही रहते हैं, भन 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 बक 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 करते रहते हैं।
तो ये बोलना हमें पवित्र कर देगा, हमको माया से पार कर देगा। कब? जब भगवान के बारे में हम बोलेंगे, भगवान के बारे में गाएंगे। अजया गुण मनु प्रविष्ट, अजया माया के द्वारा अज्ञान से हम प्रकृति के गुणों में फंस गए हैं, और इस कारण से भगवान का ज्ञान तिरोहित हो गया है, अज्ञान भर गया है, देह में आत्मबुद्धि हो गई है, और इसके कारण कभी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब शत्रु हमें दुख देते हैं। ऐसे गलत स्थान पर फंस गए हैं। गुणम अनुप्रविष्ट, प्रकृति के माया के गुणों में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें फंस गए हैं। तो इससे पार होने का उपाय क्या है? अनुवर्णन, अनुवर्णन एक ही उपाय है, भगवान का कीर्तन। तो इसलिए मैं कीर्तन करूंगा। और कहते हैं निःशंक कीर्तन करूंगा। नहीं जानकारी है तो इससे क्या, जितना सुना हूं, जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया है, उतना तो बोल सकता हूं ना। तो यह भक्ति का मार्ग है, इससे उत्साह होना चाहिए भक्तों में। तो कई भक्त हैं जो श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण नहीं करते हैं, पर उच्चारण करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं गलत पढ़ूंगा, पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो जाएगा। होने दीजिए। जैसे बच्चा अपने माँ को पुकारता है तो कोई व्याकरण का ध्यान नहीं रखता है कि मेरा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ठीक से बोलना चाहिए, लेकिन रोते हुए माँ को पुकारता है टूटे हुए शब्दों में। अच्छा उच्चारण नहीं होता है, लेकिन माँ उसी से प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही भगवान हमारे इस प्रवृत्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। यह नहीं देखते कि ये व्याकरण के अनुसार ठीक ठीक उच्चारण कर रहा है, बस उच्चारण कर रहा है, इतना ही देखते हैं। इस तरह भक्तों को उत्साहित होना चाहिए कि हमें भागवत पढ़ना है, हमें भगवान का जप करना है। और जो भक्त भगवान की कीर्ति का वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवतम कहते हैं, उनको इस श्लोक से सीखना चाहिए। मैं विगत विक्लव गत शंका हो करके, सब प्रकार की शंका छोड़ करके, कि मैं अशुद्ध बोल रहा हूं या शुद्ध बोल रहा हूं, भगवान शुद्ध अशुद्ध भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके पहले बड़े बड़े देवता बोल रहे थे, लेकिन उनकी बातें भगवान उतना ध्यान से नहीं सुने जितना प्रहलाद जी की बात। प्रहलाद एक बालक हैं, बोलते हैं तो टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं, गदगद वाणी में बोल रहे हैं, फिर भी भगवान बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। तो प्रहलाद जी की शंका चली गई। पहले वे ये संभावना कर रहे थे कि मैं भगवान का वर्णन करने में अयोग्य हूं, लेकिन भगवान का स्नेह पा करके वे निधड़क हो गए, कुछ भी वर्णन कर रहे हैं भगवान का। तो सर्वात्मना, अब पूरा मन लगा करके और जितनी वाणी की शक्ति है उससे सब तरह से मैं भगवान की महिमा का वर्णन करूंगा।
जथा मनीषम कह करके वे ये कहना चाहते हैं कि मेरी जितनी शक्ति है, बुद्धि है, उसके अनुसार बस। तो जिसकी जितनी शक्ति है, बुद्धि है, उतना ही बोल सकता है ना। तो भगवान वेद व्यास देव बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं, तो उनकी कितनी अपार शक्ति है, भगवान को उन्होंने कितना अच्छा समझा है। यदि हम भी कोशिश करें कि हम नारद जैसा बोलें, ये संभव नहीं है, लेकिन हम बोलें हम जैसा, हमारी जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, उतना तो बोलें, उसमें कोई कोर कसर ना रखें, सर्वात्मना जितनी जानकारी है उसके अनुसार बोलें। इससे बोलने वाला स्वयं पवित्र होगा ही और सुनने वाले पवित्र होंगे, उनका माया बंधन कटेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, पुएत जे नहीं प्रमाण, जिससे ही केवल अनुवर्णन से जीव पवित्र होता है। उसको सुनने वाले पवित्र होते हैं, लेकिन अनुवर्णन ही मुख्य है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, और अनुवर्णन में सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का कीर्तन। उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। कथा में तो कुछ अन्य वस्तुएं भी मिल जाती हैं, अन्य भाव मिल जाते हैं, लेकिन नाम उच्चारण में कोई मिश्रण नहीं है, शुद्ध नाम है। इसीलिए नाम संकीर्तन सबसे बढ़ करके है। यदि कोई नाम संकीर्तन कर रहा है तो अपने को और सुनने वाले समस्त जगत को, सभी जीवों को पवित्र करता है। ही लगा करके प्रहलाद महाराज कहते हैं, बस यही उपाय है आत्मशोधन का, हृदय को पवित्र करने का, शुद्ध करने का, यही एकमात्र उपाय है कीर्तन। और स्तुति करते हुए अब भगवान से निवेदन करेंगे कि क्रोध का उपसंहार कीजिए। तब उसके बाद कहते हैं, सर्वे यमी विधि करास तव सत्व धाम, हे सत्व गुण विशुद्ध सत्व के आश्रय, आप में कभी तमोगुण रजगुण नहीं है, आप विशुद्ध सत्व में है, विशुद्ध सत्व के धाम है, सत्व धाम न। तो आपके ये सभी अमी, ये सभी सेवक हैं, विधि करा आपके आज्ञा का पालन करने वाले आपके सेवक हैं, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और देवराज नारद, देवराज इंद्र आदि सब, और भी ऋषि जन जो यहाँ हैं, ये सभी आपके सेवक हैं। सर्वे ही अमी, अमी माने ये लोग जो यहाँ जुटे हुए हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये सभी आपके विधि करा आपके सेवक हैं, लेकिन आज आपसे ही भय हो रहा है। इतना भयंकर रूप प्रकट किए हैं कि इस रूप को देख करके और आपके कर्म को देख करके ये सभी उद्विजनता है, भयभीत हैं। ब्रह्मादेव उद्विजनता, ये सभी कांप रहे हैं भय से। आपके सेवक, आपके भक्तजन
भयभीत हैं, और ये हम जैसे नहीं हैं, हम असुरों के समान नहीं हैं, ना वयमिवा, हम असुर भी आपकी याद करते हैं, लेकिन असुर लोग भय से याद करते हैं, परंतु ये देवता बड़ी श्रद्धा से प्रेम से आपका स्मरण करते हैं। परंतु आज ऐसी दशा हो गई है, सबके मन में भय छा गया है आपके इस विकराल रूप को देखकर, आपके कर्म को देखकर। ये देवता कभी आपसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, कभी द्वेष नहीं करते हैं, परंतु आज बेचारे आज बहुत चिंता में पड़े हुए हैं, उद्विजंत उद्वेग में पड़े हैं, भय में पड़े हुए हैं, जबकि हे पूर्ण पुरुष, आप समय समय पर विविध अवतार लेते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अवतार, रुचिर अवतार है, अवतार लेते हैं किसके लिए, विविध कर्म करते हैं, विक्रीड़ित विविध क्रीड़ा करते हैं, अनेक सुंदर सुंदर अवतार लेते हैं और उन अवतारों से विक्रीड़ित विक्रीड़ा करते हैं, विशेष विविध क्रीड़ा, और उन क्रीड़ाओं से वो क्रीड़ा किस लिए करते हैं, अस्य क्षमाय, इस विश्व की सुरक्षा के लिए, मंगल के लिए, और भूतय भूति के लिए, इसके विकास के लिए, विश्व में जितने जीव हैं उनके पालन के लिए, क्षेम के लिए, रक्षा के लिए, और भूतय समृद्धि के लिए आप काम करते हैं, और इस विश्व को ठीक से रखने में और इसके विकास के लिए कार्य करने में देवताओं का बड़ा सहयोग है, हाथ है, पर इस अवतार में, आपके इस रूप में, ये सभी विकल हैं, घबराए हुए हैं। तो आत्म सुखाय, आपके अवतार जो हुए हैं वो आत्मा के लाभ के लिए, आत्मानंद के लिए, मतलब सभी जीवों को आध्यात्मिक आनंद देने के लिए होते हैं, परंतु यह अवतार अपने भक्तों को ही दुख देने वाला हो गया, भय देने वाला हो गया, इसलिए तद जच्छ मन्यु, ये 14वें श्लोक में कहते हैं तद, तद मतलब इसलिए, तस्मात, इस रूप को देख करके आपके भक्तों को भय हो रहा है, इसलिए मन्युम संयच्छ अयच्छ, मन्यु माने क्रोध, क्रोध को समाप्त कीजिए, कंट्रोल कीजिए, आप समर्थ हैं, इस मन्युम यच्छ, क्रोध का उपसंहार कीजिए, तो भगवान मानो कह सकते हैं कि क्रोध तो किया था इस असुर को मारने के लिए, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, तो प्रह्लाद जी कहते हैं असुरश्च हतस्त्वया अद्य, अद्य माने अब तो असुर मार दिया गया, असुर हत, इसलिए अब इसके बाद यह क्रोध निष्प्रयोजन है, कोई जरूरत नहीं है क्रोध, इसके लिए क्रोध किए तो असुर तो मर ही गया, बहुत से असुर मारे गए, तो अब क्रोध का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन मतलब यूज, क्रोध का कोई उपयोग नहीं, यूज नहीं है, इसलिए क्रोध को दबाइए। मोदे तो साधु रे वृश्चिक के सर पहते, तो श्री भगवान हिरण्यकश्यपु के
शव को देख करके कह रहे हैं, कहें कि इस असुर को मैंने मार दिया, इसके विषय में तुम्हारा क्या कहना है। तो वे कहते हैं साधु अपी, एक सज्जन व्यक्ति भी जो साधु है, सदाचारी है, वह भी वृश्चिक सर्प हत्या मुद्दे तक सांप मारा जाता है या बिच्छू मारा जाता है किसी अन्य के द्वारा, तो उसके लिए वो दुख नहीं मानता है, वो आनंदित होता है, स्वयं हत्या नहीं करता है। सज्जन पुरुष बिच्छू की हत्या नहीं करेगा, सांप को नहीं मारेगा, लेकिन अगर किसी के द्वारा सांप मारा गया या बिच्छू मारा गया तो वो खुश ही होता है, मोदे तो मुदित होता है, अनुमोदन करता है। जितने भी अच्छे लोग हैं ये सब हिरण्यकश्यपु के निधन का अनुमोदन करते हैं, सब दुखी थे, सारा जगत दुखी था, और अपनी स्तुतियों में जक्ष, गंधर्व, नाग, मुनिजन सभी भगवान से कह रहे थे कि आपने अच्छा किया, इसको मार दिया। तो उसी को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि साधु अपि अतिशय दयालु हृदय, साधु भी वृश्चिक सर्प हत्या मोह देता। भगवान ने जो काम किया है, हिरण्यकश्यपु का वध किया है, उसका अनुमोदन कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। यह तो कार्य आपने बहुत अच्छा किया, सारे जगत को सुखी किया, पर अब काम हो गया ना, अब आप शांत होइए, आपके शांत स्वरूप को ये सभी भक्त देखना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तद यक्ष मन मसुरस चाहतस्तया दे त्वया असुर हत, आपके द्वारा इस असुर का वध हो गया। अब अद्य लगा करके बोले अब क्या जरूरत है क्रोध की। लोकाश्च निवृत्ति मिता, यदि भगवान कहें कि मेरे इस रूप से जगत के सभी जीवों को सुख है तो मैं इसको रखूंगा, और इस क्रोध से अगर सबका उपकार हुआ है, खुशी हुई है, तो मैं क्रोध को रखूंगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं लोकाश्च निवृत्ति मिता, सभी लोक, लोक माने लोग, सभी लोग निवृत्ति मिता है, आनंद को प्राप्त हो गए हैं, जब सबको खुशी हो गई है, प्रतियंति सर्वे, सभी लोग अब प्रतियंति, अब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके शांत स्वरूप की, शांत स्वभाव की, सभी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान का क्रोध कब कम होगा। इसलिए मैं ही केवल नहीं कह रहा हूं, सभी यही चाहते हैं कि आप इस क्रोध का उपसंहार कीजिए, अपनी सेवा का अवसर दीजिए। सर्वे, सभी यही चाहते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान कब क्रोध दूर करेंगे। क्रोधावेश के कारण किसी को साहस नहीं हो रहा था कि निकट भी आवे, यहां तक कि कोई देखे उन पर इतना भी साहस नहीं हो रहा था। ये सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान कब शांत होंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं लोकाश्च निवृत्ति मिता इता मने गता, सभी लोग सुखी हो गए, सभी लोग सुखी हो गए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके शांत स्वभाव की, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हंसते हुए चेहरे से आप उनकी सेवा स्वीकार करेंगे।
रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरंती। भगवान ने कहा कि यदि मेरे नृसिंह रूप से सबको सुख हो रहा है तो मैं इसको रखना चाहता हूं, प्रकट रखना चाहता हूं। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं नृसिंह संबोधन करके, हे नृसिंह देव, अब इस रूप के स्मरण से ही भक्तों का भय दूर हो जाएगा। विभयाय भक्त जना है, जना माने भक्त जन, भक्तों का भय इस रूप के स्मरण से ही नष्ट हो जाएगा। इसकी याद करते ही असुर मर जाएंगे, उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। जब याद आएगी असुरों को नृसिंह रूप की, तो वे अपने आप मर जाएंगे। अतः आपको यह रूप प्रकट रखने की कोई आवश्यकता नहीं। भागवत में इसका वर्णन पढ़ करके, इसका स्मरण करके भक्त स्वयं ही अभय हो जाएंगे। विभयाय, विभय, विभयाय, विगत भय होने के लिए, अर्थात कोई भी संकट आवे, कोई भी भय आवे, तो उस भय से मुक्त होने के लिए भक्त लोग इसी रूप का स्मरण कर लेंगे। इसका स्मरण ही काफी है, इसका कीर्तन ही काफी है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप प्रकट रहें और इस भयानक रूप को दिखाते रहें। इसका स्मरण ही भक्तों के भय का नाशक होगा। किसी भी भय के अवसर पर वे आपके नृसिंह रूप का स्मरण करेंगे और निर्भय हो जाएंगे। स्मरंती मतलब स्मरयिष्यन्ति। भय से मुक्त होने के लिए भक्त लोग आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। स्मरण ही काफी है। अब आपको प्रकट होकर के इस भयानक रूप को दिखाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए क्रोध का उपसंहार कीजिए, आप शांत हो जाइए। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, यदि तुमको भय हो रहा है तो मैं ठीक है उपसंहार कर लेता हूं। क्या तुमको भय हो रहा है मुझको देखकर? तब प्रहलाद जी कहते हैं हमको भय नहीं हो रहा है, ना हम विभेम या जितते थे भयानक से, आपके अति भयानक मुख को देखकर, नाशिका को देखकर और भावों के आटोप को, भावों को ऊपर चढ़ाना नीचे करना, ये सब देख करके हमको भय नहीं हो रहा है। आपके विकराल नखों को देख करके, आपके अति भयानक दांत को देख करके और आंतों की माला लगाए हैं अंतरस रज, इसको देख करके मुझे भय नहीं हो रहा है, ना हम विभेमी, हमको कोई भय नहीं हो रहा है। लेकिन भय और सबको हो रहा है, इन देवताओं की ओर संकेत करते हैं कि आपके सामने ही हैं ये लोग, इनकी क्या दशा है, ये भय से कांप रहे हैं, इसलिए आप इस रूप को तिरोहित कर लीजिए। प्रहलाद महाराज भगवान के भयानक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं इससे मुझे भय नहीं, शंकु के समान आपके कान खड़े हैं, बहुत विकराल आंख है, मुख है, लेकिन मुझे कुछ भी भय नहीं लगता है। भय कुछ और है, महान भय कुछ और है। कहते हैं कि त्रस्तोस्मि हम कृपण वत्सल दुह सहोग्रह संसार चक्र कदना भवताम प्रणीत ग्रसताम प्रणीत। भय
आपसे नहीं है, भय संसार चक्र से है। ये जो अपने लिए नहीं कह रहा है, सबके लिए, ये भय असली है संसार में बारंबार जन्म लेना और मरना, यह संसार चक्र ये चल रहा है निरंतर, और इसमें जीव पड़े हुए हैं और मैं भी उसी तरह से हूं। तो संसार चक्र से भय है, जन्मना पड़ेगा मरना पड़ेगा, भगवान से विमुख रह करके। तो भय आपसे क्यों होगा? आपसे भय नहीं है, आप तो सबके प्रिय बंधु हैं, सुहृद हैं। भय संसार से है, जन्म मरण आदि से, दुखों से भय है। और एक और भय है कि मैं गृहस्थान प्रणीता, मैं ऐसे समाज में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लिया हूं कि जो हिंसक समाज है, ग्रसताम, ग्रस्त कर रहा है, जीवों को दुख देने वाला समाज, मैं असुर के कुल में जन्म लिया हूं, असुर समाज में रह रहा हूं, सब एक एक बच्चा और युवक सभी यहां बस केवल मार काट करो, मारो काटो, ग्रसता इन लोगों के बीच प्रणीता मैं डाल दिया गया हूं माया के द्वारा, ऐसे बुरे समाज में रह रहा हूं। लेकिन दोष किसका है? दोष किसी का नहीं है, स्वकर्म भी बद्ध, अपने कर्मों से बंध करके अपने कर्म फल के अनुसार मुझे जन्म मिला है। किसी को भी जन्म मिलता है तो कर्म ही उसमें कारण है, कर्म के अनुसार विविध जनियों में विविध माता पिता के यहां जन्म मिलता है। ऐसा मेरा बुरा कर्म था, उसके कारण मैं असुरों के समाज में रह रहा हूं जहां सभी भगवत विरोधी हैं। सभी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार आदि में रत रहते हैं। ऐसे असुर समाज में मैं हूं तो भय इसका है, बहुत मुश्किल है। प्रीतोपवर्ग शरणम हो ऐसे कदानु, आप कब मुझ पर प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के अपने चरणों के शरण में मुझे कब बुलाएंगे? इस कुत्सित समाज से हटा करके हमको अपने चरणों में कब रखेंगे, कब बुलाएंगे? आवाज से कब बुलाएंगे हमको, अपने श्रीमुख से कहेंगे कि आओ? और तो बुलाते ही हैं, सर्वधर्मान प्रीत जम्मा में कम शरण ब्रज। इसी को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कब आप बुलाएंगे हमको? अपवर्ग शरणम, साक्षात मोक्ष, मुक्ति सुख भी आपके चरणों में रहती है, मुक्ति का सुख भी रहता है आपके चरण में, चरण आश्रय है आपके चरणों में, सारा सौभाग्य है, समंजस सर्व सौभाग्य निधि है, जो आपके चरण में आ गया वही भाग्यशाली है। तो कब आप अपने चरणों में बुलाएंगे, कब आप हमको अपना दास बनाएंगे? बस आपसे क्यों भय लगेगा प्रभु? हमको भय नहीं है, भय इन भक्तों को है, इसीलिए आप क्रोध का उपसंहार कीजिए। यही प्रार्थना है प्रहलाद महाराज। तो भय से मुक्त होने के लिए
भक्तजन सिंह देव की वंदना करते हैं, स्मरण करते हैं। ये भगवान की आवश्यकता नहीं है कि यहां रहे, विद्यमान रहे तब भक्तों का भय।